गुरु नानक जीवन कथा बाबा नंद सिंह जी की। संक्षिप्त इतिहास बाबा नंद सिंह जी का। बाबा नंद सिंह जी का जन्म लुधियाना जिले के जगराव शहर में 5 किलोमीटर दूर नगर शेरापुर कला में 13 कार्तिक अक्टूबर 1872 को सरदार जय सिंह जी के घर माता सादा कौर जी को हुआ। इस साधारण परिवार में भाग्य खुल गए, जिसका कृषि तथा कारीगरी के कार्य से अच्छा गुजारा था। बाबा जी के 3 बड़े भाई थे, भाई संता सिंह, भाई भगत सिंह तथा भाई जगत सिंह। माता जी नगर बोधक कला से थे तथा इनका स्वभाव बड़ा मीठा था, सेवा भाव वाला था। पिताजी साधारण बहुत परिश्रम तथा वाहेगुरु को याद रखने वाले थे। भाई भगत सिंह कुछ पढ़ा लिखा था तथा रात को कथा और साखियां सुनाता रहता था, जो बाबा जी बड़ी श्रद्धा से सुनते थे। इन्होंने गुरुमुखी घर में ही सीखी तथा इस तरह धार्मिक वातावरण में पले। जब बड़े हुए, घर के कार्य सीखने लगे तथा माता पिता की हर तरह से सहायता करने लगे। इनका स्वभाव पहले से ही सादा सीधा सादा था तथा नम्र वाला था। वाहेगुरु को याद रखते तथा साधुओं की संगत का समय व्यर्थ न जाने देते। एक साधु से प्रेरणा मिली कि परमात्मा को और समझने के लिए श्री हजूर साहेब जी की यात्रा लाभदायक होगी। भाइयों के साथ मिलकर दूर निकट शहरों तथा गांवों में कीर्तन करने चले जाते। कुछ समय हाथ से कीर्तन करने का कार्य गांव टिंडा वाली जलाबदा में भी करते रहे। वहाँ आज उस जगह पर नानकसर गुरुद्वारा भी बन चुका है तथा वहाँ वह औजार भी पड़े हैं जो बाबा जी के पवित्र हाथों के भी कभी श्रृंगार बने थे। कार्य बहुत ईमानदारी तथा परिश्रम से करते, रात का अधिकतर समय सिमरन में व्यतीत करते, गृहस्थी जीवन धारण नहीं किया तथा बार ब्रह्मचारी रहे। परमात्मा की ऐसी लगन लगी कि युवावस्था में ही अपने औजार कार्य पर संभाल कर बिना किसी को बताए घर बार छोड़ दिया। पहले श्री दरबार साहेब अमृतसर पहुँचे। कुछ दिनों के पश्चात श्री हजूर साहेब का विचार पक्का करके रुड़का छावनी पहुँच गए। कुछ समय यहाँ रहकर खर्चा पूरा होने पर श्री हजूर साहेब जा पहुँचे। दर्शन करके बाबा हीरा सिंह जी पुजारी साहेब को माथा टेक कर सेवा की विनती की। तख्त साहिब के प्रातः काल 12:20 पर स्नान के लिए गोदावरी दरिया में से जल की गागर लाने की सेवा मिल गई। यह सेवा तकरीबन 2 वर्ष तक बहुत ही प्रेम तथा श्रद्धा से निभाई। शेष समय अन्य सेवा तथा सिमरन में लगे रहे। एक दिन आकाशवाणी हुई तथा इशारा मिला कि विद्या पढ़ने तथा और प्राप्त के लिए आपका घर मालवा में पूरा होगा। पुजारी जी से आज्ञा लेकर तथा उनसे अरदास करवा कर मालवा आए। पहले श्री दमदमा साहिब जी के दर्शन किए, वहाँ से पता करा विद्या पढ़ने के लिए लहिरे खाने संत साधवा सिंह जी के पास आए माथा टेके। बहुत मेहनत तथा लगन से गुरुवाणी का अध्याय किया तथा सेवा की। कुछ समय पश्चात संत जी के पास ऐसे महापुरुष के दर्शन की इच्छा प्रकट की जो परमात्मा के मार्ग पर आगे ले जाए। इस विद्यार्थी की रुचि तथा त्याग का स्वभाव देखकर संत जी इनको बाबा जी बाबा महाहरनाम सिंह जी बुच्चू वाले के दर्शन को ले गए। विनती की कि इनके अपने चरणों से लगाओ। ज्ञान था कि इनको बुच्चू वाले के द्वारा ही बख्शीश होनी है।
सो अगले दिन उनको उपदेश दिया तथा जपजी साहिब की पहली पौड़ी का जाप करने का तरकीब दी। वापस लहिर आकर इन्होंने विद्या के साथ बाहर जाकर सिमरन करना भी आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद संत जी से आज्ञा लेकर अकेले ही जंगल में रहकर अभ्यास करने लग गए। इस तरह जंगलों में विचरण तथा अभ्यास करते लगभग 1906 से हड़प्पा के घर जंगल जिला लायपुर अब पाकिस्तान में जो है वहाँ पहुँचे। इस इलाके में गुरुद्वारा नानकसर था जहाँ श्री गुरु नानक देव जी मुल्तान जाते जाते ठहरे थे। इन दिनों में बाबा जी के साधारण वस्त्र तथा पास सिर्फ कच्छहर चादर कंबली चिप्पी रस्सी था। फिर बैरागी बताते हैं, आहार सदा जो मिल जाए तथा कई बार तो जंगल के पत्ते आदि खाकर गुजारा करते। कई वर्ष इन इलाकों में तपस्या करते रहे, जैसे बाग बाला टोबा टेक्सी हैं जंग मदियाना पतों की दुनिया मिट्टू गुमरी तथा बार का इलाका छंगा मांगा जकीरा बिड़की तथा दीपालुप आदि टिकाना कच्चा तथा गांव से दूर एकांत वाले स्थान पर रहते। कई बार कोई ना कोई संत सेवा सज्जन मिल जाता, सबको गुरुवाणी तथा अच्छा और लगना का उपदेश देते। तकरीबन 2.5 वर्ष नगर वीर सिंह वाले के निकट ठहरे। कभी कभी लहिरे खाने संतों के साथ बाबा महा हरनाम सिंह जी बुच्चू वाले के दर्शन को आते रहते थे, बख्शीस लेते रहे। शास्त्र में श्री ननकाना साहिब के दर्शन भी करते थे रास्ते में। अपने जन्मभूमि जगराओ के इलाके में लगभग 1912 में चक्कर लगाया तथा कलेरा नगर से बाहर एक बाग में ठहरे। उन दिनों प्लेग की बीमारी का जोर था। संगतों की विनती पर सुझाव दिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ या 101 सहज पाठ करवाओ तथा गुरु साहिब के आगे अरदास करो, भरोसा रखो। उन्होंने यह उपाय किया तथा बीमारी खत्म हो गई। संत जवंत सिंह जी राजशाही वाले के साथ मिलकर इकट्ठे फिरोजपुर छावनी सारगड्डी गुरुद्वारा गुरु साहिब के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए प्रसाद छकाने की विनती करते रहे तथा सोए भी भूखे रहे। 7वें दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए तथा प्रसाद ग्रहण किया। बाबा जी ने विनती की कि अपना ही बन लो। इस तरह तपस्या करते फिरते माझे तथा बार के इलाके को चले गए। कुछ समय पश्चात फिर बाबा महा हरनाम सिंह जी बुच्चू वाले को विनती करते और बख्शीस प्राप्त की। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सपट पाठ करने की युक्ति दी। हड़प्पा के जंगल में आकर बाबा जी ने सपट पाठ आरंभ करे लगभग 1 वर्ष में संपूर्ण किया। प्रतिदिन 2 घंटे गुरु साहिब तथा बाबा महा हरनाम सिंह जी श्रवण करते रहे। समय अनुसार उन पर पूरी बख्शीस हुई। तकरीबन 1960 में बडोक से बाहर जंगल में रहे। इसके पश्चात फिर जगराओ के इलाके में दर्शन दिए तथा नानकसर का स्थान चुना जो गांव तथा सड़क से दूर बेआबाद जमीन पर था। इन इलाकों को श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने भी भाग्य लगाए थे। उनकी याद में गुरुद्वारा गुरुसर 1.5 किलोमीटर पर है। महाजमीन जगराओ लोपे अगावट की थी तथा उन्होंने धर्मशाला के लिए छोड़ी थी। मुसलमानों ने भी 7 लगती अपनी कुछ जमीन दान कर दी। इस तरह आते जाते
रहे तथा लगभग 1921 में कुछ कच्चे घर तथा भोर बनवाया तथा कथा कीर्तन का प्रतिदिन प्रोग्राम आरंभ किया। इस तरह नानक सर कलेरा की नींव पड़ी। उस समय इसको कुटिया कहते थे। फिर ऐसा प्रोग्राम बनाया कि बैसाखी के गुरुपुरब पर श्री दमदमा साहेब तथा लहिरे और बुच्चो दर्शनों को जाते, बाकी का समय मालवी तथा सादियों में माजिक के इलाके में रहकर अपना अभ्यास तथा सिक्खी का प्रचार करके संगत को गुरु साहेब से जोड़ते रहते। 1926 में कुछ समय रायकोट के निकट जोरड़ा के इलाके में भी दिए, जहाँ तकरीबन 1929 में संगत के कच्चा कमरा बोरा तथा तालाई बनवा दी। धीरे धीरे यह भी कच्चे तट की विधि बन गई तथा यह आते जाते रहे। इसी नगर से भाई इंद्र सिंह, जो बाद में बाबा ईश्वर सिंह जी के नाम से जाने जाते हैं, वह सेवा करने आते रहे। बाबा महाहरनाम सिंह जी ने 1927 में चोला बदल लिया। बाबा जी को बड़ा दुख हुआ, पर जो उस निरंकार का मजदूर तकरीबन 1932 में पंडित के निकट 15 फुट गहरा पुरानी बावली के स्थान पर पूर्णमासी मनाई, जिस पर भाई इंद्र सिंह जी भी दर्शनों को आए, यही इनको सेवा में लगा लिया तथा बाद में हजूर सेवा बख्शीश तथा नाम ईश्वर सिंह रख दिया। लगभग 1935 में बाबा जी ने दिल्ली खुनाले पुराना राजेंद्र नगर के निकट चक्कर लगाया तथा एक माह एक संगत को साझा उपदेश करते कृतार्थ किया। फरवरी 1936 में फिर इस स्थान पर कथा कीर्तन का प्रोग्राम चलाया। 1937 में पटियाला की संगत की विनती पर इस इलाके में भी दर्शन दिए तथा बाद में भी आते रहे। तकरीबन प्रत्येक वर्ष गर्मियों में पहाड़ों पर जाते रहे, जैसे करोला टिब्बा सलोगढ़ के निकट 8,000 फुट ऊंचा चहल, कुफरी, सोलन आदि। पता चलने पर पटियाला रियासत के संगी तथा राजमाता प्रबंध कर देते थे। 1937 में फिर बाबा जी ने करोला टिब्बे पर ठहर कर बाद में दिल्ली पूंछा इस्टियपुर के निकट जंगल में समय दिया। भविष्य के बारे में विचार करके बाबा जी ने बागा वाले की संगत को बाहर एक नया गुरुद्वारा किले की तरह बनाने का सुझाव दिया, जिसमें कोई लकड़ी का प्रयोग ना किया जाए। 1947 के बंटवारे के समय इस इलाके की संगत यहाँ इकट्ठी होकर सुरजित रही। 1938 में बैसाखी के बाद दिल्ली कुछ समय देकर पहली बार देहरादून इलाके की संगत को दर्शन दिए। वापस आते समय तकरीबन एक माह पिजोरा बाग मीन्स कलकत्ता के निकट ठहरे। 1939 की गर्मियों में करोला टिब्बे पर तथा फिर दिल्ली करोला बाग के निकट रिच पहाड़ पर दीवान लगाया। 1940 में माजे की संगत को दर्शन दिए तथा फरवरी के पूर्णमासी पर एक बड़ा समागम हुआ। बाबा जी ने संगत को नाम जपने पर ज़्यादा जोर दिया। 1940 की गर्मियों में चहल कुफरी इलाके में ठहर कर शिमला की संगत का भला किया। 1941 में फिर माझे इलाके में करोल टिब्बे पर देहरादून नंदा चौकी जाकर दर्शन दिए। कुछ समय वहाँ से पौदा जंगल में व्यतीत किया। वहाँ से दिल्ली को आते हुए रुड़की छावनी दर्शन दिए। इस बार
वजीर आबाद दरिया यमुना से पार आसन रखा। कार्तिक की पूर्णमासी का संभाग भी यही किया। 1942 में हर साल की तरह बैसाखी पर दमदमा साहेब दर्शन को गए तथा फिर पाठनकोट होकर नगरोटे पहाड़ इलाके में कुछ समय ठहरे। यहाँ श्री अमृतसर साहेब के दर्शन को गए तथा संगत की विनती पर श्री अकाल तख्त साहेब पर शुभ वचन किए। इससे पहले भी श्री अमृतसर तथा तरन तारा साहेब जाते रहते थे। बाबा जी ने पहले भी चोला बदलने का इशारा कर दिया थे तथा खास खास संगीतों को बातों बातों में समझाते रहते थे। 1943 में बाबा जी काफी अस्वस्थ हो गए। संगतों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे अरदास की तो इशारा हुआ कि 6 मास समय बाद गया है। गर्मियों में देहरादून पोद जंगल में दीवान सजाया। 15 अगस्त को अंतिम पूर्णमासी करके 26 अगस्त को वापस चले और अगले दिन नानकसर कलेरा पहुँचे। शरीर काफी कमजोर तथा तेज बुखार भी था। डॉक्टरों ने कोशिश की पर कोई पेश ना चली। निरंकार के हुक्म अनुसार 29 अगस्त 13 बादो 1943 को अमृत समय तकरीबन 3:30 बजे दरगाह को चले गए। दिल्ली, देहरादून, पटियाला, अमृतसर तथा बहुत से इलाकों से संगत अंतिम दर्शन के लिए तथा श्रद्धा के फूल भेंट करने आई। यह इकट्ठा तथा बेराग देखकर पता चलता था कि बाबा जी का संगत में मन में कितना सत्कार था। उनकी पहले से ही समझाई हुई विधि अनुसार 31 अगस्त को एक बड़े नगर कीर्तन के रूप में बाबा जी के पंचभूतक पवित्र शरीर को सिधावा भेंट होकर कनिया नगर के निकट सतलुज दरिया के गहर बहाव में जल प्रवाह किया गया। बाबा नरसिंह जी की यदि याद में श्री अखंड पाठ के भोग डाले गए तथा दर्शनों पर संगत की ओर से बाबा ईश्वर सिंह जी हजूर सेवक को दस्तार भेंट की गई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा नंद सिंह जी। ये थी एक संक्षिप्त इतिहास बाबा नंद सिंह जी का। संगत जी, बाबा नंद सिंह जी की मैं कथा कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने की, जो उनकी जीवन कथा है बाबा नंद सिंह जी की नानकसर कलेरा वालों की। इसमें अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कर देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।